नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकित और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल G20 के अंतर्गत थिंक 20 की दो दिवसीय बैठक की राजधानी भोपाल में हो रही है। डेलीगेट्स के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने G20 के अंतर्गत T20 विचार सत्र में भोपाल पधारे विभिन्न देशों के डेलीगेट्स के साथ पौधारोपण किया। इस मौके पर CM ने कहा कि G20 के तहत आज T20 की यह बैठक महत्वपूर्ण है। दुनिया भर के चिंतक और बुद्धिजीवी मध्य प्रदेश पधारे हैं। भोपाल कैपिटल ऑफ बौद्धिक हो गई है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में अंकुर पोर्टल बनाया गया है, जिसमें नागरिक विवाह वर्षगांठ और जन्म वर्षगांठ पर पौधे लगाते हैं। अंकुर पोर्टल के माध्यम से लोग जुड़ते जा रहे हैं। इनकी संख्या 37 लाख से अधिक हो गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर के सिद्धांत पर कार्य कर रहे हैं। आज ये उद्यान ग्लोबल गार्डन हो गया है। इस अवसर पर नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने भी अपने विचार व्यक्त किए। G20 के अंतर्गत T20 की भोपाल में बैठक है और दुनिया भर से इंटेलेक्चुअल्स, थिंकर्स, जो सोचने वाले हैं, आज मध्य प्रदेश पधारे हैं। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि भोपाल कैपिटल ऑफ इंटेलेक्चुअल हो गई है। मैं सबका यहाँ हृदय से स्वागत करता हूँ और मध्य प्रदेश का जो एक इनिशिएटिव है, मैं रोज पेड़ लगाता हूँ और हमने अंकुर करके एक पोर्टल बनाया है, जिस पे प्रदेश की जनता के जो हमारे लोग हैं, वो अपने जन्मदिन पर, बर्थडे पर, मैरिज एनिवर्सरी पर या बेटा बेटी के जन्मदिन पर पेड़ लगाते हैं। और 37 लाख से ज़्यादा पेड़ अभी लग चुके हैं। आज मैंने निवेदन किया कि यहाँ जहाँ मैं रोज पेड़ लगाता हूँ, आप सब भी, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने G20 की जो थीम रखी है, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, और फ्यूचर अगर धरती का भी ठीक रहना है तो पर्यावरण जरूरी है, और पर्यावरण के लिए पेड़ जरूरी है। तो आज सब पेड़ लगाने यहाँ पधारे। ये ग्लोबल गार्डन बन गया है नाउ ग्लोबल गार्डन। तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं और ये पहल पर्यावरण को धरती पर बचाएगी। आदरणीय सुमन बेरी जी यहां हमारे बीच है, वो आपसे बात करेंगे। धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। थैंक यू ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर एंड थैंक यू टू इंडिया कमिटी फॉर इनवाइटिंग मी टू ज्वाइन दिस side event of the T20. The T20 is what's called an engagement group of the G20, which is to say it is a way of bringing, as Honorable Chief Minister just said in Hindi, bringing intellectuals and thinkers to produce fresh ideas for the considerations of the officials of the G20. And I'm very proud and pleased as the Vice Chair of Niti Aayog to be part of the T20. Just to reinforce what Honorable Chief Minister has said, India's G20 presidency is characterized by both a global outlook, but also a return to Indian values, and they are the values that the Honorable Chief Minister just articulated. One earth, one family, one future. And I do want to make the point that the G20 is a place where advanced countries and large emerging markets come together and to sort out the issues facing the world. The G20 has at its core a commitment to robust, sustainable, balanced and inclusive growth, and the T20 is there to provide ideas on how we can return to that ideal. I am here in my role also
As the Vice Chairman of Niti Aayog, we have a continuing dialogue with Madhya Pradesh, and Madhya Pradesh is in many ways a star in development, it is, I'm very pleased that my predecessor Rajiv Kumar is here to show the continuity in the relationship between Niti Aayog and the states. So let me thank Honorable Chief Minister for giving me this platform, for receiving me so courteously, and for allowing me to share in the joy of planting a tree. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. खबर समय जगत के लिए कैमरामैन शिवम कुशवाहा के साथ आदित्य सराठी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.